खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में पारा और लुढ़क गया है। कुछ देर पहले दिल्ली के सफदरजंग में मौसम विभाग ने जो डेटा जारी किया है, न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में ठंड का रिकॉर्ड लगातार टूट रहा है और आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान दिल्ली के सफदरजंग इलाके में मौसम विभाग ने यह तापमान जारी किया है 2.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही आपको बता दें जो दिसंबर का महीना है, 120 साल में यह दिसंबर का महीना दिल्ली में सबसे सर्द दिसंबर का महीना है, सबसे ठंडा दिसंबर का महीना है और लगातार पारा लुढ़कता जा रहा है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। कल यानी कि शुक्रवार को पहले जो रिकॉर्ड किया गया था मौसम विभाग की तरफ से डेटा, उसमें बताया गया कि सबसे ठंडा दिन शुक्रवार रहा, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो डेटा मौसम विभाग ने जारी किया है, जो तापमान का डेटा जारी किया गया है, उसके मुताबिक 2.4 डिग्री पर न्यूनतम पारा पहुंच चुका है। दिल्ली में ठंड लगातार लोगों को जकड़ रही है, उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है और दिल्ली देश की राजधानी को ठंड ने पूरी तरह से जकड़ रखा है और दिसंबर का महीना दिल्ली वालों की मुसीबतें लगातार जाते जाते बढ़ाया जा रहा है, पारा लुढ़कता जा रहा है। दिल्ली के सफदरजंग में 2.4 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भारत में ठंड का कहर जारी है और राजधानी दिल्ली भी इससे अछूता नहीं है। दिल्ली में भी कोल्ड अटैक हुआ हुआ है और यहाँ पर जो तापमान है इस समय वो भी काफी कम है। मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगी, जो तापमान है अभी वो करीब 4 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग के अनुसार कल तक का जो न्यूनतम तापमान था वो 4.2 था और इस समय उससे भी कम यहाँ पर तापमान नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, पिछले 120 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले इतनी ठंड करीब 120 साल पहले पड़ी थी 1901 के दिसंबर में, लेकिन इस बार लगता है इस दिसंबर में सारे ठंड के रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर जॉब करने के सिलसिले में बाहर निकले हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम हरीश पाठक। काफी ज्यादा ठंड हो रही है, सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। जी मैम, बहुत ठंड है इस बार। और ये ठंड कम से कम 10-12 साल मुझे ही हो चुके हैं दिल्ली में, उससे बहुत ज्यादा इस बार ठंड लग रही है। ये बताइए कि बचाव के लिए आप क्या कर रहे हैं? बचाव के लिए मैम ज्यादा जो भी है गर्म कपड़े पहन रहे हैं और एक तो क्या है कि अगर सुबह सुबह निकलते हैं तो ठंड होती है, लेकिन ऐसा कि वॉक करते हैं तो थोड़ा शरीर में गर्मी आती है, लेकिन ये कि ठंड तब भी नहीं जाती उतनी। अच्छा, तो अलाव वगैरह से हाथ वाथ भी ताप रहे हैं? हाँ हाँ, इसके अलावा कभी जब आग आग जला के थोड़ा सा। तो अभी क्या बस का इंतजार कर रहे हैं? अभी बस का इंतजार कर रहे हैं। बस भी देरी से चल रही है? हाँ, बस भी देरी से आ रही है। जो बस मतलब मैं 5:30 बजे आती है वो 6 बजे आ रही है, जो 6 बजे आती है वो 6:15-6:30 बजे आ रही है। तब तक खड़े रह के ठंड में ऐसे इंतजार करना पड़ता है? जी मैम, तब तक खड़े रहना पड़ता है। और भी लोग हैं मेरे साथ इस समय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र उपाध्याय है। जी, आप भी ठंड में यहाँ पे बस का इंतजार कर रहे हैं? मैं रोज ही करता हूँ मैम। इतनी ठंड है यहाँ पर, किस तरह से बचाव कर रहे हैं? मैम गर्म कपड़े पहन रखे, 4 स्वेटर पहन रखे हैं, अंदर 2 जुराब पहन रखे हैं अंदर। उसके बाद भी ठंड में? मैम ठंड बहुत हो रही है, मेट्रो में नीचे खड़ा होना पड़ता है, मेट्रो में भी ए सी नहीं चलता कभी करता हूँ। तो यहाँ पे बस भी लेट चल रही है? मैम बस भी लेट चल रही है। तो किस तरह से इंतजार कर रहे हैं आप इतनी ठंड में? मैम पैर सुन पड़े, मैम हाथ भी सुन पड़े, टेढ़े नहीं हो पाते, क्या करें मैम, मजबूरी है, करना पड़ता है। अच्छा, तो पिछले कई सालों से ज्यादा ठंड महसूस हो रही है? बहुत ज्यादा ठंड है कई सालों से। हाँ। इस साल तो मैम बहुत, पिछली बार भी इतनी ठंड थी या ज्यादा? मैम कम थी पिछली बार तो मैम, इस बार तो बहुत ठंड है। मुँह से मैम धुआं निकल रहा है, लगातार धुआं निकल रहा है। जी मैम, तो आपने सुना ही लोगों का क्या कहना है, हाथ पैर सुन पड़े हैं, मुंह से धुआं निकल रहा है, 4 परतें पहनी है कपड़ों की, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है क्योंकि बेहद ठंड है, जमा देने वाली ठंड है और खड़ा होना भी खुले में मुश्किल है। लेकिन जो सुबह जॉब करने के लिए काम के सिलसिले से लोग निकलते हैं उनको जाना ही पड़ता है, तो इस ठंड में भी लोग जो है काम करने जा रहे हैं। और इस ठंड के बीच मैं आपको बता दूं कि सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं, पिछले कई सालों के बाद इतना ठंडा दिसंबर यहाँ पर पड़ रहा है, तो एक तरह से पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। कैमरा पर्सन रबीश पांडे के साथ इलाक आजमी, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।